तो दोस्तों जो ऑफर आपने जो फ्रंट पर देखा है सेम वो ऑफर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस ऑफर में से आप कोई भी एक चीज अपनी चूज कर सकते हैं, एनी वन आप जो है अपना गिफ्ट चूज कर सकते हैं। इतने अच्छे ऑफर के साथ आपको और इतने अच्छे बजट में ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना दोस्त नितिन शर्मा और मेरे साथ है वंश गर्ग। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। तो दोस्तों 65 गज में बना हुआ जड़ से मकान, ये आप रूफ का एरिया देखें, हम अभी रूफ से जो है वीडियो स्टार्ट करें, रूफ का एरिया देखें तो गार्डन एरिया में हमने इस रूफ को जो है तब्दील किया है। काफ़ी खूबसूरत आपका जो है ये गार्डन एरिया रूफ का रहने वाला है, काफ़ी जो है इसकी लेंथ बहुत अच्छी रहने वाली है। 65 गज में बना हुआ ये जड़ से मकान आपको मिलने वाला है। लोकेशन की अगर दोस्तों बात करें तो लोकेशन जो है वो रहने वाली है मोहन गार्डन एक्सटेंशन की। दोस्तों मेट्रो की बात करें तो यहाँ से नवादा मेट्रो स्टेशन जो है बिल्कुल 1 किलोमीटर के नेट डिस्टेंस पर मिल जाता है। घर के बाहर ही आपको जो है ई रिक्शा वगैरह सारी फैसिलिटी मिल जाती है जो कि 10 मिनट में आपको और मेट्रो स्टेशन पहुँचा देती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिल्ली जल बोर्ड के वाटर का कनेक्शन भी मिल जाएगा, सीवरेज कनेक्शन भी मिल जाएगा, IGL से गैस पाइपलाइन का कनेक्शन मिल जाएगा, सारी फैसिलिटी आपको इस जड़ से मकान में मिलने वाली है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें कि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने 65 गज के जड़ से मकान के फ्रंट पर। तो काफ़ी अच्छा जो है वाइट फ्रंट आपको जो है देखने मिलेगा, गली भी काफ़ी जो है स्पेशियस है। दोस्तों यहाँ पर जो फ्रंट है आपका जो है रहने वाला है वो 15 फीट का रहने वाला है ये फ्रंट, और जो इसकी लेंथ है वो वंश कितनी रहने वाली है? 39 की 15x39 में आपकी जो है इसका साइज़ इस हाउस का रहने वाला है। आप देख रहे हैं तो आयरन के दो बड़े शटर यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में काफ़ी मजबूत यहाँ पर मिलने वाले हैं। डबल शटर का जो है आपको ये गेट मिलने वाला है, दो शटर यहाँ पर लगाए हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड है, खुल जाएगा। और इसमें सिंगल एंट्री करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल शटर आपको मिल जाएगा इस साइड में, यहाँ से आपकी सिंगल एंट्री हो जाएगी। और नीचे की साइड में जो है स्टेयर यहाँ पर तैयार की गई हैं जिससे कि आपकी सिंगल एंट्री कर सकें। और कार पार्किंग आपको अंदर यहाँ पर मिलने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रैंप बनाया है, तो इस पर थोड़ा सा अभी क्या है फिनिशिंग होना थोड़ा सा बाकी है यहाँ पर काम, जो कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आपकी जो है व्हीकल अंदर से 4-व्हीलर यहाँ से बहुत इजीली अंदर पार्क हो जाएगी। और फ्रंट एलिवेशन अगर हम बात करें तो बहुत ही खूबसूरत आपको जो है फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। हम एक बार फ्रंट एलिवेशन की तरफ नज़र मार लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपको जो है फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरी फ्रंट एलिवेशन पर आपको टाइल का वर्क मिलने वाला है, ऊपर SS की ग्रिल मिलने वाली है विद आपको जो है टफन ग्लास का वर्क यहाँ पर जो है बालकनी में देखने को मिलेगा। तो ये हो जाता है हमारा फ्रंट एलिवेशन। उसके बाद दोस्तों हम अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर का व्यूज़ कैसा रहने वाला है। दिल्ली जल बोर्ड से वाटर के कनेक्शन, आपको सीवर के कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन जो है वो सब यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे। इस साइड में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको जो है यहाँ पर लगा हुआ मिल जाएगा। इंटरकॉम की फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, यहाँ से जो है आपकी वीडियो कॉलर ID जो अंदर की साइड में आपकी रहने वाली है यहाँ से आप वो व्यू जो बाहर का है वो देख सकते हैं। अंदर आपका जो है इंटरकॉम की फैसिलिटी जो आपको मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू देखते हैं कि हमारा ये घर कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों अभी हम इंडिपेंडेंट हाउस के पार्किंग में एंट्री कर चुके हैं। ये हमारा जो है पार्किंग का व्यू रहने वाला है, काफ़ी बिग स्पेस आपको जो है पार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। पूरा टाइल का वर्क यहाँ पर आप देखेंगे तो टाइल का वर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसकी हाइट की अगर बात करूँ तो 5 फीट की हाइट इसकी समथिंग रहने वाली है। आपको पूरा कवर करके दिया जा रहा है 5 फुट तक, सीलन का कोई डर नहीं है। छोटे बच्चों का क्या है वॉल पर हाथ लगाते हैं उसका कोई डर नहीं है। ये फैसिलिटी अच्छी है यहाँ पर कि आपको 5 फुट तक जो है बहुत ही खूबसूरत टाइल कवर यहाँ पर चारों तरफ मिलने वाला है। पूरी पार्किंग में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको जो है टाइल का वर्क मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि चेक शेड में आपको जो है यहाँ पर ये टाइल कवर पूरी पार्किंग में मिलने वाला है। पार्किंग का स्पेस बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आप बड़ी से बड़ी गाड़ी यूज़ करते हैं, लाइक कोई इनोवा यूज़ करते हैं या फॉर्च्यूनर यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही इजीली, इजीली ही नहीं बहुत ही इजीली यहाँ पर
पार्क कर सकते हैं, इतनी बड़ी आपकी ये पार्किंग रहने वाली है। और दोस्तों इस पार्किंग को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग का वर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला है, फैन आपको जो है यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे, फॉल सीलिंग का वर्क मिलने वाला है एलईडी और कोब लाइट के साथ। एलईडी का जो कलर है वो व्हाइट रहने वाला है, कोब लाइट का जो कलर है ब्लू एंड रेड रहने वाला है जो फ्रंट साइड पे है। और यहाँ पर दो फॉल सीलिंग है, दूसरी साइड में भी आपको जो है फॉल सीलिंग पे यहाँ पर फैन लगा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे भी एलईडी और कोब लाइट का वर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एलईडी का जो कलर है यहाँ पर भी व्हाइट है और पिंक एंड रेड कलर में आपको जो है कोब लाइट का वर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो दिल्ली बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड के जो वाटर के कनेक्शन होंगे दोस्तों वो आपके इस साइड में आएंगे, यहाँ सारे कनेक्शन रखे हुए हैं। इस साइड में आपके जो है दिल्ली जल बोर्ड के सारे कनेक्शन आ जाएंगे। मोटर्स का जो एरिया है वो यहाँ पर हमने जो है डिसाइड किया है, इस साइड में आपकी मोटर्स लगेगी और यहाँ स्विचेस लगेंगे, और ये आपको जो है यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के वाटर की फैसिलिटी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ नीचे की साइड में आपको जो है एक रूम का सेट मिलने वाला है, और अंदर इसमें जो है एक ओपन किचन आपको मिलने वाली है, और टू रूम का सेट आपको ऊपर मिलने वाला है, वॉशरूम आपको ऊपर मिलने वाला है, किचन आपको ऊपर मिलने वाला है। तो उससे पहले हम जो है नीचे का ये बेडरूम देखते हैं। ये ओपन बेडरूम दोस्तों और ओपन किचन आपकी जो है यहाँ पर रहने वाली है। काफ़ी अच्छा स्पेस आपको जो है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, डबल बेड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, काफ़ी स्पेस आपको तब भी यहाँ पर मिलेगा। ओपन किचन आपकी रहने वाली है दोस्तों, ग्रेनाइट का स्लैब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, मॉड्यूलर किचन है, नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं और ऊपर की साइड में भी बॉक्सेस आपको बने हुए मिल जाएंगे। सिंक यहाँ पर आपको बना हुआ मिल जाएगा आपके बर्तन धोने के लिए, सैनिटरी फीचर्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। पूरे किचन में आपको जो है टाइल कवर यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत स्पेशियस आपका जो है ये रूम भी रहने वाला है। और इसी साइड में हमारा जो है इस बेडरूम के साथ अटैच एक वॉशरूम भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि स्टेयर के नीचे की तरफ आ जाता है, वो वॉशरूम आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा इस रूम के साथ अटैच। और दोस्तों ऊपर फॉल सीलिंग देखेंगे, इस रूम में भी आपको जो है फॉल सीलिंग देखने को मिलेगी, एलईडी और कोब लाइट का वर्क यहाँ पर भी आपको इस फॉल सीलिंग में मिलेगा, फैन यहाँ पर भी हमारी तरफ से आपको लगा हुआ मिलेगा, एवरी रूम हम अपनी तरफ से आपको जो है फैन लगाकर देंगे। वंश अगर डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितने रहने वाली है? डायमेंशन 8x10 की रहने वाली है। 8x10 की दोस्तों, 8x10 में जो है इस रूम की डायमेंशन आपको जो है देखने को मिलेगी। और वेंटिलेशन की अगर बात करें, वैसे तो पार्किंग के साथ रहने वाला है, यहाँ से कर्टन हटाते हैं तो ये आपकी जो है विंडो रहने वाली है, इस साइड में आपका विंडो एसी आ जाएगा, और ये आपकी विंडो जहाँ से आपकी वेंटिलेशन पास होती रहेगी। और दोस्तों डोर की अगर बात करो तो यहाँ पर वुडन के बहुत ही हार्ड और अच्छे बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको जो है ये डोर यहाँ पर मिलने वाले हैं। माइका का यहाँ पर वर्क हुआ है। हाइट की अगर बात करूँ तो 8 feet समथिंग इस डोर की हाइट रहने वाली है, काफ़ी अच्छा काम इसको आपको इस घर में देखने को मिलेगा। तो ये नीचे का पोर्शन हो जाता है, हम ऊपर चलते हैं। जो ऊपर का पोर्शन है वो बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, और गार्डन जो है इसका छत के ऊपर वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है। तो चलते हैं वंश हम ऊपर की तरफ और दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम निकलते हैं बाहर, और ये हमारे एक बार कैमरे की तरफ हम नज़र लगवाएं कि इस साइड में आके हमारा जो स्टेयर एरिया है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। तो दोस्तों ये हमारी जो है मेन एंट्रेंस रहने वाली है, यहाँ पर आपको इस एंट्री पर भी सेम वही डोर आपको जो है मिलेगा। माइका का यहाँ पर भी वर्क है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, हार्ड वुडन का आपको जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा गेट लगा हुआ सबसे पहले मिल जाएगा। हाइट की बात करूँ तो 8 feet हाइट है। पीछे से जहाँ से हमारी एंट्री है स्टेयर, वहाँ से रहने वाली है आपकी, आपने देखी होगी स्टेयर। और इस साइड में जो स्टेयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, जो आपको गार्डन की तरफ ले जाती है, और उसके बाद आ जाती है हमारी मेन एंट्रेंस। ये हमारी जो है मेन एंट्रेंस है, और यहाँ से हम देखेंगे ये हमारा जो है मेन एरिया रहने वाला है, बहुत ही खूबसूरत। और इस साइड में आपको जो है देखोगे वॉलपेपर तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में आपको एल कॉर्नर में आपको जो है पूरा एल शेप में ये वॉलपेपर यहाँ पर लगाकर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऊपर की साइड में फॉल सीलिंग देखते हैं तो विद फैन आपको जो है फॉल सीलिंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में एलईडी और कोब लाइट कवर का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फैन एवरी रूम मैंने आपको बताया कि हमारी तरफ से यहाँ पर आपको लगे हुए मिलेंगे। और जिस साइड में आपकी एंट्री रहने वाली है दोस्तों, यहाँ से कर्टन हटाते हुए कॉटन भी यहाँ पर हमारी तरफ से लगे हुए आपको मिलेंगे कर्टन। और यहाँ पर जो आपका वीडियो कॉल यहाँ पर जो रहने वाला है, इस साइड में देखेंगे कि यहाँ से अगर कोई गेस्ट आपका मेन गेट पर आता है तो यहाँ से आप उनको देखकर अपना गेट ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद इस साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको टीवी कैबिनेट भी यहाँ पर लगा हुआ मिल जाता है दोस्तों। टीवी कैबिनेट देखिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में आपको जो है टीवी कैबिनेट यहाँ मिलेगा, काफ़ी बड़ा साइज है इस टीवी कैबिनेट का। नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, शेल्स यहाँ पर छोटे छोटे तैयार किए गए हैं, यहाँ पर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो है डेकोरेट कर सकते हैं। नीचे ड्रॉर्स वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। तो काफ़ी स्पेशियस आपका जो है टीवी कैबिनेट भी रहने वाला है। और पीछे की साइड में अगर देखेंगे तो इस एरिया को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर हमने आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क दिया है, जो कि इस एरिया को इस पोर्शन को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। और इस साइड में हम देखते हैं तो हमारी आ जाती है मॉड्यूलर किचन। तो बाहर आप देखेंगे जो इसकी मेन एंट्रेंस रहने वाली है दोस्तों, वुडन स्टाइल में इसकी जो है मेन एंट्रेंस है, और यहाँ पर एलईडी जो है लैंप यहाँ पर छोटे छोटे लगाए गए हैं, जिसको हम फोकस लैंप बोलते हैं, जो इस एरिया में छोटी छोटी रोशनी देते हैं, वो इस एरिया को और भी खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं
तो यहाँ पर आपको शेल्फ तैयार करके यहाँ पर भी दिए जाते हैं। यहाँ पर आपकी छोटी छोटी चीजें जो डेकोरेट हो जाएंगी, अंदर भी इसमें आर्टिफिशियल ग्रास कवर यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है, जो कि इस एरिया को और भी खूबसूरत बना देता है। उसके बाद एंट्री हो जाती है हमारी मॉड्यूलर किचन में, ओपन किचन में। हमारी ओपन किचन हमारी दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है, बहुत ही खूबसूरत स्पेस, काफी अच्छा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो स्पेस की अगर बात करें तो काफी अच्छा स्पेस यहाँ पर है, 10x6 का स्पेस है, 10x6 का स्पेस है जी। तो दोस्तों 10x6 का स्पेस आपको जो इस किचन में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ग्रेनाइट कवर पूरा वहां तक ले स्पेस यहाँ तक ले तो 12x6 का आ जाएगा पूरा। हाँ, वैसे अगर हम उसको ना काउंट करें, हम इसी को काउंट कर लेते हैं, इसको काउंट करें तो 10x4 का स्पेस है, 10x4 का स्पेस हमारा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 12x6 क्योंकि उस साइड में तो जो सामान आ जाएगा, बाकी हमारे खड़े होने की जगह जो मिल जाती है, हम सिर्फ उसी को काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा स्पेस दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ग्रेनाइट का वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नीचे की साइड में बॉक्सेस बने हुए हैं, तो काफी स्पेशियस आपको जो है यहाँ पर ये किचन देखने को मिलेगी। इसमें आपका आटा बास्केट, प्लेट बास्केट, कटलरी बास्केट, सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर सारे बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, काफी स्पेशियस आपकी किचन रहने वाली है। यहाँ पर चिमनी हम अपनी तरफ से आपको लगा के देंगे, बॉक्सेस यहाँ पर सारे बने हुए हैं, तो काफी स्पेस आपको जो है इस किचन में देखने को मिलेगा। आरओ भी हमारी तरफ से यहाँ पर आपको लगा मिलेगा, हम आपको आरओ भी यहाँ पर लगा कर दे देंगे। और दोस्तों इस साइड में अगर हम देखते हैं तो सिंक भी आपको यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, सैनिटरी फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। टू साइड ओपन आपका जो है ये फ्लैट, अपना ये जड़ से मकान रहने वाला, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो है आपकी विंडो दी गई है, जो आपकी बैक साइड में जो वेंटिलेशन पास होती रहेगी, टू साइड ओपन आपका जो है ये जड़ से मकान रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से वापस निकलते हुए हम जो है अपने दूसरे बेडरूम की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ और दिखाते हैं हमारा दूसरा बेडरूम भी कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों अभी हमने अपना जो है पहला बेडरूम देख लिया, जो हमारा लिविंग एरिया या फिर हमारा बेडरूम रहने वाला है। किचन आपने देख लिया, हमारी मेन एंट्रेंस देख ली, और इस साइड में जो हमारा बालकनी के साथ बैक साइड में हमारा जो है बेडरूम रहने वाला है। एक आपको वॉशरूम इस साइड में मिलने वाला है, काफ़ी स्पेशियस आपका जो है ये वॉशरूम भी रहने वाला है। इंडियन पॉट आपको यहाँ पर लगी हुई नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको जो है वेस्टर्न पॉट लगी हुई यहाँ पर मिलने वाली है। सैनिटरी फीचर सारे यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं, वॉश बेसिन आपको यहाँ पर लगा हुआ मिल जाता है, सैनिटरी फीचर सारे, टैप टूपटी शावर सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए आपको सामने आप देखेंगे तो विंडो मिल जाती है, और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फॉल सीलिंग तैयार की गई है, पूरी पीवीसी की जो है ये फॉल सीलिंग आपको तैयार मिलने वाली है सुंदर डिज़ाइन में। एलईडी का वर्क आपको मिलने वाला है, और कोब लाइट का वर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और एंड टू एंड टाइलिंग आप देखेंगे तो एंड टू एंड टाइलिंग का वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नितिन जी, हम वॉशरूम की डिमेंशन की बात करें तो डिमेंशन इसकी 7x5 की रहने वाली है, 7x5 की, तो काफी स्पेशियस है। वैसे 7x5 भी काफी चौड़ा हो जाता है, काफी अच्छा स्पेस हो जाता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं अपना जो सेकंड बेडरूम जो हमारा रहने वाला है। वैसे तो ये 2BHK में बना हुआ है, जी जी, है ना। तो यहाँ से सेकंड बेडरूम से पहले हम अपना फर्स्ट बेडरूम देखते हैं, पहला बेडरूम दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों आता है हमारा पहला बेडरूम, जो कि बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही लग्जरी, बहुत ही खूबसूरत ये स्पेशियस बेडरूम आपको जो है देखने को मिलेगा। वंश, ये जो अलमीरा है काफी स्पेशियस रहने वाली है, ऊपर बॉक्सेस अच्छे जो है बनाए हैं, 2 फुट अंदर, हाँ 2 फुट अंदर है, तो बहुत अच्छा बनाया है। इस साइड में भी अलमीरा आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर लेडीज अपना जो है सामान रख सकती हैं। लैंप लगा के दे रहे हैं, नीचे लैंप लगा कर हम आपको दे रहे हैं, नीचे की साइड में भी बॉक्स बने हुए हैं, तो वहाँ भी आप अपना सामान रख सकते हैं। फॉल सीलिंग पे कैमरे लगे हैं, काफी अच्छी, हाँ बहुत ही सुंदर डिजाइन की जो है फॉल सीलिंग ये आपको देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। फैन मैंने आपको बताया एवरी रूम आपको यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे, एलईडी और कोब लाइट का वर्क आपको जो है फॉल सीलिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका डबल बेड आ जाएगा, उसके बाद भी काफी स्पेस रह जाता है दोस्तों। और इस साइड में आपकी जो है ये वुडन की अलमीरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, काफी स्पेशियस ये बेडरूम रहने वाला है। यहाँ पे आपको कर्टन्स लगा के दे रहे हैं, कर्टन्स यहाँ पर तो हमने वैसे लगाए हैं क्योंकि अच्छा रहता है, अगर कर्टन्स लगाते हैं थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है घर की। और वेंटिलेशन के लिए, हाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पर, तो दोस्तों ये वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ पर मिल जाती है, ग्लास का वर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और ऊपर आपको जो है काफी बड़े साइज की विंडो यहाँ पर मिलने वाली है। इसको ओपन करके आपकी जो है नेचुरल लाइट अंदर आएगी, वेंटिलेशन पास होती रहेगी, वो फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इस साइड में हम एक बार वॉलपेपर पे नजर मार लेते हैं, तो ये वॉलपेपर भी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत आपको 3D लुक में देखने को मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही सुंदर और स्पेशियस आपका जो है ये रूम रहने वाला है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ये वॉलपेपर बनाया है, जो इस बेडरूम को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। मैं इसकी डिमेंशन की बात करें तो इसकी डिमेंशन 13x9 की रहने वाली है, 13x9 की। मैं जस्ट वही कहने लगा था कि एकदम से तुमने बोल दिया कि 13x9 की जो इसकी डिमेंशन है। तो दोस्तों 13x9 की जो है इसकी बेडरूम की जो है डिमेंशन रहने वाली है, अच्छा खासा स्पेशियस है, डबल बेड लगा के भी आपका जो है काफी स्पेशियस बेडरूम भी रहने वाला है। उसके बाद हम बालकनी देख लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ से चलते हैं हम अपनी बालकनी की तरफ, तो दिखाते हैं हमारा जो है ये बालकनी का एरिया कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों
अभी हम आ चुके हैं अपनी बालकनी एरिया में। बालकनी एरिया में आपकी जो फ्रंट एलिवेशन है पूरे मैंने आपको बताया था, टाइल का वर्क आपको मिलने वाला है। फ्रंट एलिवेशन जो है आपकी बहुत ही खूबसूरत रहने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम बालकनी में यहाँ पर इस एरिया में हमने जो है दो लैंप लगाए हैं जो कि इस एरिया को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। एंड टू एंड टाइलिंग का वर्क आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वंश, अगर इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई कितनी रहेगी? 13x3 की रहने वाली है चौड़ाई। 13x3 की इसकी जो है चौड़ाई रहने वाली है। 15 फीट तो जैसे इसका फ्रंट हो जाता है, एक फुट साइड से लगा, 13 फुट तो 13 फुट समथिंग जो इसकी लंबाई रह जाती है। और चौड़ाई की अगर बात करें 3 फुट 3 फुट आएगी, क्योंकि खड़े होने वाला जहाँ पर हम खड़े हैं तो वैसे तो वो 2.5 फुट आ जाता है, पर डिजाइन हमारा डिजाइन आ जाता है। और इसके बारे में अगर मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताओ। सर हम यहाँ पे SS की ग्रिल दे रहे हैं और यहाँ पे 12mm का टफन ग्लास दे रहे हैं। ये मुझे नहीं, ये उनको बताओ कि उनको कैमरे में बताओ कि ये हम लोग क्या लगा के दे रहे हैं उनको। सर यहाँ पे हम 12mm का टफन ग्लास लगा के दे रहे हैं और SS की ग्रिल लगा के दे रहे हैं आपको। SS की ग्रिल दोस्तों, SS की ग्रिल यहाँ पर हमारी तरफ से लगी हुई मिलेगी आपको। टफन ग्लास 12mm का यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। ये जो हमारा बालकनी एरिया आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी चौड़ी आपको जो है यहाँ पर ये गली का व्यू भी देखने को मिलेगा। तो ये जो होता है हमारा बालकनी एरिया। अब बात आ जाती है हमारे सेकंड बेडरूम की, तो हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं हमारा सेकंड बेडरूम जो है कितना खूबसूरत रहने वाला है। तो दोस्तों अभी हम अपनी बालकनी से निकल के अपने सेकंड बेडरूम की तरफ चलेंगे, तो ये हमारा जो है सेकंड बेडरूम रहने वाला है। तो वंश काफ़ी अच्छा स्पेशियस ये बेडरूम भी रहने वाला है। इसकी डायमेंशन की बात करें तो 9x10 की समथिंग, 9x10 की, 9x10 की इसकी जो डायमेंशन रहेगी। और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए शॉफ्ट का प्रोविजन दोस्तों यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा। इस साइड में आपकी जो है शॉफ्ट लगी हुई है, यहाँ से आपकी वेंटिलेशन पास होती रहेगी। और इस साइड में अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर अलमीरा भी आपको हमारी तरफ से लगी हुई मिलेगी। ये अलमीरा है दोस्तों, अलमीरा रेडीमेड आपको यहाँ पर वुडन की मिली हुई है। ऊपर की साइड में बॉक्सेस बने हुए हैं, दो शटर ऊपर है, दो शटर यहाँ नीचे की साइड में है, तो काफ़ी स्पेशियस ये अलमीरा भी मिलेगी। चौड़ाई की अगर बात करो तो 3 से 3.25 फीट की जो है इसकी चौड़ाई रहने वाली है और लंबाई। और गहराई की अगर बात करें तो 2.5 फीट की इसकी जो है गहराई रहने वाली है। और बहुत ही सुंदर आपको जो है 3D लुक में यहाँ पर वॉलपेपर भी हमारी तरफ से देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है 3D लुक में आपको जो है वॉलपेपर यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। काफ़ी अच्छा स्पेशियस आपको जो है ये बेडरूम रहने वाला है। और ऊपर हम फॉल सीलिंग देखते हैं तो बहुत ही सुंदर डिजाइन में आपको जो है यहाँ पर फॉल सीलिंग भी देखने को मिलेगी। फैन मैंने आपको बताया था, एवरी रूम आपको जो है फैन यहाँ पर लगे हुए मिलेंगे। LED और कोब लाइट का वर्क यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। LED जो है इसमें यहाँ पर व्हाइट कलर की है और कोब लाइट यहाँ पर येलो एंड ब्लू कलर में देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा सुंदर स्पेशियस आपका जो है ये 65 गज पर बना हुआ जड़ से मकान आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब बात आ जाती है इसके रूफ की, तो रूफ हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी रूफ जो है वो कैसे रहने वाली है। जहाँ पर आपको जो है 65 गज के जड़ से मकान में पहली बार हमारे चैनल पर रूफ पर आपको जो है गार्डन देखने को मिलेगा। तो चलिए रूफ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से स्टेयर से चढ़ते हुए हम दोनों अपने यहाँ पर ऊपर रूफ की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर रूफ पर जाने से पहले आपको जो है स्टेयर के ऊपर आते ही यहाँ पर काफी स्पेस यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर आपका जो है कोई भी अपना छोटा छोटा स्टोरेज सामान रख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना इन्वर्टर वगैरह रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, वो स्पेस आपको मिल जाता है। पूरी स्टेयर में आपको जो है क्योंकि यू शेप में आपकी जो है स्टेयर आने वाली है, तो यहाँ पर आपको जो है साइडों में टाइल कवर यहाँ पर मिलने वाला है। काफ़ी स्पेशियस आपकी जो है चौड़ाई और लंबाई इस जो है स्टेयर की रहने वाली है। अगर इसकी लंबाई की बात करूँ तो 3 फीट इस स्टेयर की जो है लंबाई रहने वाली है। चौड़ाई की बात करूँ तो 1 से 1.5 फीट इसकी जो है स्टेयर की चौड़ाई रहने वाली है। तो चलिए यहाँ से अपने रूफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत आपको जो है इस रूफ के ऊपर गार्डन देखने को मिलेगा। आप देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर आपको जो है यहाँ पर गार्डन हम अपनी तरफ से बना के दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आप रात को अगर बैठते हैं तो यहाँ पर आप अच्छी खासी अपनी कोई डिस्को पार्टी वगैरह करना चाहें, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहें, कोई भी अगर आप 50 से 100 बंदों की गैदरिंग करना चाहें तो ईज़िली यहाँ पर गैदरिंग कर सकते हैं और अपने घर का फंक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बॉर्डर हमारी तरफ से जो मिलने वाला है, साइड में बॉर्डर देख रहे हैं तो इसकी जो हाइट है वो 3.5-4 फुट की रहने वाली है। फोकस लैंप यहाँ पर आपको लगे हुए मिलने वाला है जो कि आपको जो है चारों तरफ हमारी तरफ से लगे हुए मिलने वाले हैं। इस साइड में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फोकस लैंप आपको लगे मिलने वाले हैं। और पीछे की साइड में अगर गौर करते हैं तो पीछे की साइड में भी देखिए तो यहाँ पर भी आपको फोकस लैंप लगा हुआ मिलेगा। 2 साइड ओपन मैंने आपको बताया कि आपका जो है ये जड़ से मकान रहने वाला है। और इस साइड में अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ जो है वुडन की स्टाइल की आपको जो है टाइल का वर्क आपको मिलने वाला है, जो कि आपको इस रूफ के एरिया को गार्डन एरिया में तब्दील करते हुए जो हमने यहाँ पर ग्रास का वर्क दिया है उससे आपके जो है इस रूफ की लुक जो है बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलती है। अगर आपका कोई गेस्ट आ जाता है और उसको आप शाम के टाइम में अपने रूफ पर लेकर आते हैं, यहाँ पर अगर 2 चेयर लगा दें, 1 टेबल लगा दें तो बैठने का आनंद ही आ जाता है। दोस्तों आपका गेस्ट भी कहेगा कि वाह क्या मकान खरीदा आपने। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा स्पेशियस और बहुत ही सुंदर
गार्डन एरिया के साथ आपको जो है ये जड़ से मकान मिलने वाला है। वेंटिलेशन के लिए जो आपको नीचे शाफ्ट का प्रोविजन दिया गया था वो यहाँ से शेड से कवर की गई है। अगर कोई पानी बारिश वारिश अगर आ जाती है तो नीचे की तरफ पानी जाने का डर नहीं है और वेंटिलेशन नीचे की साइड में आसानी से पास होती रहती है। तो दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में आपको जो है ये जड़ से मकान मिलने वाला है विद ऑफर। मैंने आपको बताया कि जो ऑफर आपको मिलने वाला है और जो प्राइस आपको मिलने वाला है वो पूरे मून गार्डन में आपको जो है कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस की अगर बात करें तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 58 लाख रुपये। 58 लाख रुपये विद ऑफर, बिल्कुल 58 लाख रुपये आपको जो है 65 गज का जड़ से मकान मिलने वाला है। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो देखी है, कई हम भी खुद सर्च करते रहते हैं तो लोगों को देखा है मैंने 50-50 गज के मकान है जो इतने महंगे महंगे डालते हैं 65-65 लाख रुपये मैंने देखे 50 गज के मकान, और यहाँ पर 65 गज का मकान हम जो है विद ऑफर आपको जो है 58 लाख में दे रहे हैं अच्छे खासे ऑफर के साथ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता आपका जो है ये 65 गज में बना हुआ जड़ से मकान मिलने वाला है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपना मकान विजिट करें और अपने गृह प्रवेश की तैयारी करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।